नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल। आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। खबर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ ही समय बचा हुआ है, ऐसे में राजनीतिक दल जोरों शोरों से तैयारियों में जुट चुके हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बाद अब मनसे ने भी कल्याण लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार उतारने की इच्छा जताई है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे 2 दिनों के लिए कल्याण पहुंचे। राज ठाकरे कल्याण डोंबिवली में 2 दिवसीय दौरे पर चुनावी समीक्षा करने आए थे। इस दौरान उन्होंने मनसे कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और चुनावी चर्चा भी की। इसके बाद मनसे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनसे प्रमुख राज ठाकरे के साथ कल्याण ग्रामीण विधानसभा के विधायक प्रमोद उर्फ राजू पाटिल भी मौजूद रहे। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की राजनीति का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया और कहा कि महाराष्ट्र में महापुरुषों के नाम पर राजनीति हो रही है। इसके अलावा उन्होंने राज्य में बढ़ती बेरोजगारी, पानी की भीषण समस्या जैसे तमाम चीजों का जिक्र कर कहा कि इसे राज्य में महाराष्ट्र सरकार द्वारा नजरअंदाज कर जाति का राजकरण किया जा रहा है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में निचले स्तर की जो राजनीति हो रही है उसका क्या। मनसे अध्यक्ष ने कहा कि महाराष्ट्र का वातावरण खराब हो रहा है, जिसके बारे में जनता को सोचना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उल्लासनगर फायरिंग मामले को लेकर भी सवाल पूछा गया, जिस पर जवाब देते हुए राज ठाकरे ने कहा कि भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ ने जो किया उसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर उन्होंने गोली क्यों चलाई, ऐसी कौन सी बात आ गई थी कि उन्हें गोली चलानी पड़ी। इसके अलावा राज ठाकरे चुनाव आयोग पर भी बरसे। उन्होंने चुनाव आयोग की खिंचाई करते हुए कहा कि चुनाव आयोग 5 साल से बैठकर क्या कर रहे हैं, 5 साल में चुनाव का नियोजन तक कर नहीं पाते तो क्या बैठकर करते हैं। आइए सुनते इस विषय पर मनसे प्रमुख ने क्या कुछ कहा। बर तुम्हाला हा जो सगळा महाराष्ट्राचा विस्का जो झालेला आहे सगळा इकडूनची तिकडे तिकडूनची इकडे, कधी याबद्दलची स्ट्रॅटेजी कधी कोणी सांगितले का तुम्हाला? झाल्यावरतीच कळलं तुम्हाला। आणि हे जर मला असं वाटतं सुधरवायचं असेल, पूर्ववत महाराष्ट्र जर करायचं असेल तर लोकांनी जनतेने या गोष्टींचं भान ठेवणं गरजेचं आहे। आपण नुसतंच नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान व्हावेत असं वाटणं ठीक आहे, पण खालच्या लेवलला ज्या प्रकारचं राजकारण सुरू आहे असं जर समजा एका व्यक्तीच्या नावाने जर खाली सगळा मेस होत राहिला तर हे काही पोषक चांगलं वातावरण नाही। आणि आपण एक गोष्टीचा विचार केला पाहिजे की आज आपण आज म्हणून बघतो आहोत, पण असे अनेक तरुण आहेत, अशा अनेक तरुणी आहेत महाराष्ट्रामध्ये की जे भविष्यामध्ये राजकारणामध्ये येऊ इच्छितात, त्यांच्यासमोरचं राजकारण काय हे? असं जर समजा त्यांना वाटायला लागलं, आज तुमच्या टेलिव्हिजन चॅनलवरती ज्या प्रकारची लोक येऊन बोलत असतात, जे तुम्ही दाखवत असता आणि तुम्ही दाखवता म्हणून ते बोलतात, ज्या प्रकारची भाषा वापरतात, ज्या प्रकारच्या शिव्या देतात, जो येणारा वर्ग आहे राजकारणामध्ये त्यांना वाटतं की हेच राजकारण आहे, आपण अजून खराब करत जाऊ या सगळ्या गोष्टींचं वातावरण। मला असं वाटतं की या गोष्टींचा निर्णय हा सर्वस्वी महाराष्ट्रातल्या जनतेने घेणं गरजेचं आहे, आवश्यक आहे। त्यांनीच सगळ्यांना जर वटणीवर आणलं तर अन्यथा या महाराष्ट्राचं काही खरं नाही।